हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 29 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सूफी मूवमेंट के टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल आपसे ये था कि भारत में जब सूफी मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय में सूफी स्कूलों को क्या कहा जाता था? तो इन स्कूलों को कहा जाता था सिलसिला। हालांकि कम स्टूडेंट ही सही आंसर कर पाए हैं, बट बाकी लोग जिनको नहीं पता था, अब आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इनको सिलसिला के नाम से जाना जाता था। यह क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिलसिला का मतलब अगर समझे तो देखिए, इसका मतलब होता है एक चेन सिस्टम। चेन सिस्टम का मतलब जुड़ी हुई कड़ियां एक दूसरे से। तो ये स्कूल जो थे, एक के बाद एक इस तरीके से खोले जा रहे थे उस टाइम पे, और इनका मेन उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म के अंदर ये समझाना सिया और सुन्नी कौम को कि अल्टीमेटली ईश्वर को या अल्लाह को याद करने का जो तरीका है वो म्यूजिक है, मतलब संगीत के थ्रू आप उसके सबसे करीब हो सकते हो। तो सूफी स्कूलों का बेसिकली यही उद्देश्य था। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डीएनएस अनाउंस एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए। कितने परसेंट डीए बढ़ा दिया गया है? यह 4% डीए अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है ये, और जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए भी खुशखबरी है। आपको बता दूं, साल 2022 में यह दूसरी बार है जब केंद्र सरकार के द्वारा डीए बढ़ाया गया है। इससे पहले मार्च 2022 में भी इसको बढ़ाया गया था, और उस टाइम पर 31% डीए हुआ करता था। इसे बढ़ाकर 3% बढ़ा के टोटल 34% कर दिया गया था। और आप देख लीजिए, अगले 6 से 7 महीनों के अंदर फिर से 4% सीधा बढ़ाकर 38% इसको कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड 5 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा। उड़ीसा में अभी हाल ही में ट्राइबल कम्युनिटीज के बेसिस पर 5th वॉल्यूम लॉन्च किया गया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स का। तो ये जो 5वां संस्करण इस किताब का जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया है? तो इसको नवीन पटनायक ने जारी किया है। यह इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, उड़ीसा भारत का ऐसा राज्य है तीसरे नंबर का जहां पर सबसे ज्यादा SC ST पॉपुलेशन बिलोंग करती है, और उसमें भी ज्यादा तादाद ST की है, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन यहां पर सबसे ज्यादा है तीसरे नंबर पे। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है? एमपी। एमपी की टोटल जनसंख्या में 14.70% ट्राइब्स हैं। सेकेंड नंबर पे इसमें आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस टाइम पे टोटल जनसंख्या में 10.10% ट्राइबल कम्युनिटीज की जनसंख्या है, और उड़ीसा में यही जो जनसंख्या है ये करीब करीब आप ये मान लीजिए कि 8% के आसपास है। तो तीसरे नंबर पे उड़ीसा हो गया, चौथे नंबर पे राजस्थान है, 5वें नंबर पे गुजरात है। तो ये टॉप 5 वो राज्य है जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इस किताब को पब्लिश किया गया है, इसको बोलते हैं SC ST RTI। SC ST RTI का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि ये सांस नाम की एक पोर्टेबल डिवाइस जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने राज्य के अंदर? तो ये है आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, जो आपको डिवाइस दिखाई दे रही है इसका नाम है सांस। ये डिवाइस अपने आप में CPAP सिस्टम कंसीड करती है। यहां पर CPAP का मतलब है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर। आपने कई बार देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जस्ट जन्मे हुए बच्चे होते हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके बाद क्या करना होता है, मुंह से सांस ब्लो करी जाती है उनके मुंह पे। तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मशीन उसमें सहायक होगी। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको कई बार ट्रैवल करते टाइम, जैसे कि आप छोटे बच्चे को गाड़ी में लेकर ट्रैवल कर रहे हो या बस में लेकर ट्रैवल कर रहे हो, तो झटके लगने की वजह से उनकी सांस कई बार अटक जाती है, उस टाइम पर भी ये जो डिवाइस है ये सहायक होगी। इस डिवाइस को बैंगलोर में स्थित एक स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया है। ये बिल्कुल नई डिवाइस है, और इनिशियल बेसिस पे आसाम सरकार ने सांस नाम की जो डिवाइस है ये 50 डिवाइस खरीदी हैं, और इनको अपने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। आगे आने वाले टाइम में और भी डिवाइसेस आसाम सरकार खरीदेगी।
ये कौन सा एयरपोर्ट है जिसको अभी हाल ही में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? और यह अवार्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2022 का सबसे बेहतर सर्विसेज के लिए यह अवार्ड दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ध्यान रहे, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्च 2022 में, मतलब इसी साल के मार्च में, कोविड के टाइम में सबसे बेहतर कार्य करने के लिए कोविड चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। किससे? कोविड चैंपियन अवार्ड। तो इस साल कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दो अवार्ड मिल चुके हैं। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पूरे भारत का पहला 100% सोलर बेस्ड एयरपोर्ट भी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मतलब ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसको 100% तरीके से सोलर बेस्ड संचालित किया गया है। जितनी भी यहाँ पर बिजली की सप्लाई है वो सब सोलर बेस्ड ही है। और कोचीन इंटरनेशनल जो है, इसकी कैटेगरी 5 से 15 मिलियन पैसेंजर की है पर ईयर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा साइन लर्न नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इस एप्लीकेशन की मदद से आप साइन लैंग्वेज सीख सकते हो और इसमें 10,000 कीवर्ड्स हैं साइन लैंग्वेजेस के। इसमें आप सर्चिंग हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों से कर सकते हो। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि साइन लैंग्वेज का यूज किस लिए किया जाता है। जो लोग बोलने और सुनने में एबल नहीं होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेजेस यूज करी जाती है। तो इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में प्रतिमा भौमिक के द्वारा। ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में सपोर्टेड। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा ऑपरेशन है जो कि अभी हाल ही में CBI के द्वारा चलाया गया है और इस ऑपरेशन की मदद से बाल यौन शोषण सामग्री का जो ऑनलाइन प्रसार किया जा रहा है उसको रोका जाएगा। कहने का मतलब यह है कि CBI के द्वारा एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन में ऐसे लोग जो कि इस तरीके का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑनलाइन, उनकी यहां पर गिरफ्तारियां करी जाएंगी। तो इस ऑपरेशन का नाम है मेघ चक्र। क्या नाम है? मेघ चक्र, ये वाला सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। CBI के द्वारा इससे पहले भी इस तरीके के ऑपरेशंस चलाए गए हैं और इससे पहले एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन कार्बन। क्या नाम है? ऑपरेशन कार्बन। ये नवंबर 2021 में चलाया गया था। उस टाइम पर भी इसी तरीके से रेड वगैरह करी गई थी और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। फिलहाल आपको बता दूं, मेघ चक्र ऑपरेशन में CBI के द्वारा भारत के 20 राज्यों और यूटीज में जगह जगह पर रेड डाली गई है, टोटल 56 लोकेशंस में, और 100 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। CBI के डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे सुबोध कुमार जायसवाल, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आपको पता है CBI के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र कब चलाया गया? इसका जो इनपुट था ये इंटरपोल के द्वारा सीधे दिया गया। इंटरपोल आप मतलब समझते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज ये संस्थान है जो कि अपने आप में एक सेंट्रलाइज डेटा ऐसा ऑपरेट करता है, मतलब उन सभी गतिविधियों पर ऑनलाइन नजर रखता है जो गतिविधियां इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं। फिर चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो टेरर फंडिंग से हो, हर एक चीज पर इंटरपोल नजर रखती है। तो इंटरपोल की टिप थी जिस पर CBI ने एक्शन लिया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया तो हर कोई जानता है, ब्रिटानिया का टाइगर बिस्किट आता है, ब्रिटानिया का गुड्डे आता है, मैरी गोल्ड आता है। जी हाँ, ये उसी ब्रिटानिया की बात हो रही है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इसके नए CEO अब होंगे, इनका नाम है रजनीत कोहली। क्या नाम है? रजनीत कोहली। इन्होंने वरुण बेरी को सक्सीड किया है। वरुण बेरी प्रमोट हो गए हैं और ये अब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन बन गए हैं। ब्रिटानिया की स्थापना 1892 में करी गई थी, बहुत पुरानी कंपनी है। और इसकी पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है वाडिया ग्रुप। वाडिया ग्रुप, वाडिया बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, उन्हीं की ये संस्था है और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड की अभी हाल ही में ब्रिटेन में शुरुआत करी गई है, क्योंकि अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हुआ है तो उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट है ये अवार्ड। तो पहला संस्करण इस अवार्ड का किसको दिया गया? तो यह भारतीय मूल की है सुएला ब्रेवरमैन। इनके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं,
कुछ टाइम पहले ही, इनसे जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट वहां पर मैंने आपसे शेयर किए थे। सोहेला ब्रेवर मैन जो है ये ब्रिटिश हैं भारतीय ओरिजिन की, और इस टाइम पे ब्रिटेन में होम सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। जब से अभी 6 सितंबर से वहां पे नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस, कौन बनी है, लिज ट्रस, तो उनके कैबिनेट में भी इनको जगह मिली है। 42 वर्षीय सोहेला ब्रेवर मैन बेसिकली एक बैरिस्टर है, बैरिस्टर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर लता मंगेशकर चौक का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। आपको मैंने एक सप्ताह पहले, शायद याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो वीणा आपको दिखाई दे रही है ये नोएडा से बनाई गई है, और यहां से इसको एक बड़े ट्रॉलर में ट्रांसफर किया गया। कहां पर? अयोध्या में ट्रांसफर किया गया था। तो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक है जहां पर अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, और ये जो वीणा है इसका वजन कितना है? 14 टन इसका वजन है, 14 टन, और ये 40 फीट इसकी लंबाई है। कितनी? ये जो लंबाई है ये 40 फीट हो गई। और ये जो एक चौराहा है इसको नया घाट क्रॉसिंग बोलते हैं, ये जो चौराहा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसका रीनेम हो गया है, इसको लता मंगेशकर क्रॉसिंग के नाम से जाना जाएगा, और यहीं पर इस वीणा को इंस्टॉल किया गया है। और इस बार का जो दिवाली में दीपोत्सव महोत्सव है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसी चौक से करी जाएगी, लता मंगेशकर क्रॉसिंग से, या लता मंगेशकर चौक आप बोल सकते हो। फिलहाल इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, और 28 सितंबर को, मतलब कल के दिन, लता मंगेशकर जी की 93rd बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कौन से राज्य में किया जाएगा। यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बौद्धिज्म के बारे में पढ़ाएगी आपको, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा दूसरे अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी कंडक्ट कराए जाएंगे इस यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में बनाई जाएगी। त्रिपुरा सरकार के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 25 एकड़ की जमीन डोनेट करी गई है। इसके अलावा आपको जान के अचंबा होगा, पूरे दुनिया भर के 51 देश इसमें डोनेट कर रहे हैं। 41 कंट्रीज बौद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करेंगे। त्रिपुरा में जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे, ये हैं मानिक शाह। कौन है? मानिक शाह। और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी त्रिपुरा के अंदर कहां पर इनॉग्रेट करी जाएगी, तो वहां पर एक गांव है जिसका नाम है मनु बंकुल गांव। क्या नाम है? मनु बंकुल गांव। वहीं पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। अभी हाल ही में किताब एडिट करी गई है, इस किताब का नाम है वाइल्ड लाइफ इंडिया एट 50, सेविंग द वाइल्ड सिक्योरिंग द फ्यूचर। इस किताब में इस तरीके के काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और अमेजिंग पैराज लिखे गए हैं जो कि बताते हैं कि पिछले 50 सालों में भारत सरकार की तरफ से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, और कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिन पर हमारा फोकस होना चाहिए जो कि आगे विलुप्त हो सकती हैं, और कौन कौन सी ऑलरेडी थी जिस पर हम लोगों ने काम किया है। ये सारी चीजें ये किताब बताती है। इसको एडिट किया गया है मनोज कुमार मिश्रा के द्वारा। मनोज कुमार मिश्रा कौन है? ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के फॉर्मर मेंबर हैं, और ये जो किताब है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अभी 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना, तो उसी उपलक्ष में, तो तब से इस साल 2022 है ना, तो 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, इस उपलक्ष में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी ओईसीडी के द्वारा साल 2022 से 23 के सत्र के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है। ओईसीडी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसके द्वारा जो जीडीपी है ये 6.9% का प्रेडिक्शन दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था एसएनपी ने भी नया प्रेडिक्शन दिया है जीडीपी को लेकर। फिलहाल ओईसीडी की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1961 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कौन से दिन मनाया गया। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क हो गए, और मरीन डाइवर्सिटीज हो गई, या बायोडाइवर्सिटी में तो हर एक चीज आ जाती है, तो अल्टीमेटली हम प्रकृति को हर तरीके से सुरक्षित करके रखें, जिसलिए यह दिवस मनाया जाता है। इसको मनाया 26 दिसंबर को। इस बार 2022 की इसकी थीम रही स्ट्रेथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो डीएससीआई के नए सीईओ अब होंगे विनायक गोडसे, और विनायक गोडसे इससे पहले भी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में ही थे। बस अंतर इतना है कि इन्हें प्रमोट किया गया है, ये इससे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, अब ये सीईओ के लिए प्रमोट हो गए। विनायक गोडसे ने सक्सीड किया है राम वेद श्री को, इसको राम वेद श्री ये रिटायर हो रहे हैं, और विनायक गोडसे जो है ये परसों से अपना कार्यभार संभालेंगे 1 अक्टूबर से। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हम लोगों ने मनाया कल के दिन 28 सितंबर को। इस बार 2022 की थीम रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य हमारा ये है कि इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ जितना भी डेटा है उसको हम लोग सिक्योर्ड रखें, और इवन स्मार्ट वे में सिक्योर्ड रखें, जिसके लिए आज की डेट में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना चाहिए, ई गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहिए, ये सारी चीजें इसी बेसिस पर इसकी थीम रखी गई है। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री बेस्ड है, या आप बोल सकते हो साइंस पर आधारित है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं ऐसी धातुएं जो कि रासायनिक रूप से धातु और अधातु, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह रिएक्ट करती हैं या व्यवहार करती हैं, ऐसी धातुओं को क्या कहा जाता है? डक्टाइल मेटल, एलॉयस, फेरस, मेटलॉइड्स या फिर नॉन फेरस? पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बाकी आप मुझे अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो, जीएस जीके का मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है वहां पर, फुल फ्लैश में आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप करंट अफेयर की टेंशन ले रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार वेटेज अच्छा मिलने वाला है, तो करंट अफेयर का नया बैच मेरा 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में मैं नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर आपको पूरे कवर करा दूंगा एग्जाम से पहले, तो इन सब का फायदा आप अनअकैडमी प्लस में ले सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है, इसकी मदद से आप 30% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हो इस टाइम पे। ये ऑफर 30 तारीख तक ही लिमिटेड है। आज की बात यहीं तक रहेगी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।